मित्रों नमस्कार, मैं विवेक ये कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं मन्नू भंडारी जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है यही सच है। मित्रों ये कहानी आप पूरा सुनिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिले और हमें ऐसी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिले। मित्रों इस चैनल पर विभिन्न लेखकों के प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं, आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से भी किसी भी लेखक की अनेकों कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। तो देर न करते हुए इस कहानी का आरंभ करता हूं। लीजिए प्रस्तुत है कहानी यही सच है। बात कानपुर की है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूं। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूं, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूं। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूं। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर या कोई आज की ही बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके आता है और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर फिर से मैं पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूं, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वह आया, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी हमें कहानी सुनाओगी? मैं रुखाई से जवाब देती हूं, नहीं अभी नहीं, पीछे आना। वह भाग जाती है। यह मिसेज मेहता भी एक ही है, यो तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम फिर सकती थी? खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तकों में केंद्रित कर लेती हूं। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूं पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर फटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। रुखाई से मैं कहती हूं, मुझे क्या करना नाराज होकर? वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है बस मेरी ही नहीं, पर मैं कुछ कह नहीं पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूं। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है।
उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं। तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड प्यार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। अगर तुम्हें वहां जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहां की रोज की किचकिच से मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में तो शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी के पास बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्ख हो, घर से दूर यहां कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहां किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। मैं असहाय सी कहती हूं, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहां इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं, अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। वह छेड़ने के लहजे में कहता है, कुछ नहीं करना। और मैं भभक पड़ती हूं, देखो संजय, मैं हजार बार तुमसे कह चुकी हूं कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो, मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूं। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहां जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कूढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर उसे बैठने को कहती हूं, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ।
निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूं। रात में सोती हूं तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम होता जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकाएक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूं। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए कहा था कि मैं पागल हूं, निरी मूर्खा हूं। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूं। स्थान कानपुर। मैं जानती हूं संजय का मन निशीत को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीत से नफरत करती हूं। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर अस्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब एक बेवकूफी सी लगती है, जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेम के लिए नहीं थीं, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थीं, जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीत को भूल गई, मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगीं। पर संजय है जब तब निशीत की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा उठता है। मेरे कुछ कहने पर खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूं वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य में मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूं, या वह अपने ऑफिस की, मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं, पर इस सब का मतलब यह तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है? सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, अस्थाई हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीद ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूं। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूं। और सच पूछो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं कि मैं ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यो आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यो बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया है। यह केवल इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत बहुत प्यार करती हूं। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीत का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। स्थान कानपुर।
परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा, मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो। संजय को कह रही हूं कि वो भी साथ चले, पर उसे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूं अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझमें बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। स्थान कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूं, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूं। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देकर मैं नीचे उतर पड़ती हूं। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूं। पीछे देखती हूं तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूं, उफ, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूं। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है, और इस सबके बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। मैं तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर को देखी ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ईरा बोलती है, अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वो भला इंटरव्यू से डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती भी है कभी उनके पास या नहीं। मैंने कहा, कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूं। ईरा ने कहा, भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूं। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही करते। पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहां निशीत दिखाई देता है। मैं सकपका कर नजर घुमा लेती हूं, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है कि मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूं निशीत बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है।
विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात कर रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीत का यूं मिलना, ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीत, लगता है जैसे मन में ही कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे, कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्त युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूं यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो सब कुछ किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने उससे कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं, जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूं। अच्छा है, आए कल, मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे कितनी घृणा करती हूं और उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीत ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे मुझे क्या, क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? स्थान कलकत्ता। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 की जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहां तक कि उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलवाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 9:15 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीत टहल रहा है, वही लंबे बाल, कुर्ता, पायजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कट ना हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी, उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही पर काम की बात के अतिरिक्त उससे एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं पर बता न सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूं पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं।
एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती। और क्या, वह बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो मैं चलता हूं। यंत्र चालीस से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूं। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूं। वहां के फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। स्थान कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देना चाहिए वैसे नहीं दे पाई। पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूं यह सब निशीत की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तनमन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूं ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैंने उसके मुंह से सुना। मैं ईरा की ओर देखती हूं। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, लेकिन अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूं। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूं। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूं और बार बार अपने को टोकती जाती हूं। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूं, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूं। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूं। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, या देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब ही नहीं दे पाती हूं। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूं आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। भैया स्काई रूम। निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीत बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके
तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है कि यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूं। आज भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था से मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूं, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निशीत कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वो यहां होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यो सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूं कि जब निशीत बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है कि उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूं, मानो अंदर निशीत मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का मान होता है। उधर निशीत खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों में ऐसे बचाकर चलती हूं मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूं, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल से मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूं। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफी का गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीत कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूं, पर जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए या कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं। जो संबंध टूट गए वो टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूंगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो। मैं खिसिया जाती हूं। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालीसी मैं खा रही हूं। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रा पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूं वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं यह कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूं? मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह बात मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूं।
और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असह अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा, आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूं, नहीं नहीं नहीं। पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय के न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीत मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झनझना देना चाहती हूं, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूं। फिर वही मौन, वही दूरी। पर न जाने क्या कि मुझे लगता है कि निशीत मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीत मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूं, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। स्थान कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूं। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहां भटकी थी, कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीत अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान उपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। मेरी ओर देखकर उसने कहा, अब तो तुम यहां आ जाओगी? हां। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा कि उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं। जाने क्यों मैं यह कह गई, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूं, वह मुझसे प्रेम करता है, वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूं। तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खुश हूं। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूं, मानो कह रही हूं कि तुम यह क्यों नहीं कह देते निशीत कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीत, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूं निशीत, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूं। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूं। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूं। पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते।
तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूं कि तुम मुझे आज भी प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं, लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से अधिक ढल गई है। स्थान कानपुर। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीत की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूं कि मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीत आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीत आ रहा है। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहां बाहर खड़ी हूं। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूं। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहां पहुंचा। मन करता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, जगह अच्छी मिल गई? हाँ। पानी वानी तो है? है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूं। वह शायद समझ जाता है सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूं, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन को इस तरह घुटन से हल्का कर लेता? फिर चारों ओर नजर डालकर वह कहता है, आज ज्यादा भीड़ नहीं है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूं, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजर से मैं उसे देखती हूं, मानो कह रही हूं कि तुम्हें चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूं। दरवाजे पर मैं खड़ी हूं और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना, जैसे ही मुझे इधर का कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूं। सीटी हरी झंडी फिर सीटी, मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब कुछ समझ गई निशीत, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशीत को देखती भर रहती हूं। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबा कर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुद जाती है। मुझे लगता है कि यह स्पर्श या सुख या क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूं। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीत के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था,
ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूं। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे से वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है कि यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूंगी, इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी, कहूंगी संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय के किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीत से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीत को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूं कि तुम जीते मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीत को प्यार करती हूं, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही अस्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ अस्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीत को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा, मैं कृत कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम्हें बताओ, आए कभी? एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूं निशीत के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ, तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह ही असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूंगी। कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, नहीं जानती यह सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूं तो देखती हूं सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन में इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूं तो जमीन पर एक बड़ा लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी, मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूं, 5-6 दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है कि एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो अपने आप को मैं अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीत को पत्र लिखती हूं। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं अस्पष्ट शब्दों में लिख देती हूं कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूं।
साथ ही यह भी लिख देती हूं कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूं तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नजर सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। स्थान कानपुर। आज निशीत को पत्र लिखे पांचवा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाके निकल गईं। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूं। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूं या निशीत के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूं? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूं कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश सी कमरे में लौट पड़ती हूं। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूं। शाम का धुधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहां जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं ही नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहां है। फिर भी निरुद्देश सी चलती रहती हूं, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं? हार कर लौट पड़ती हूं। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूं। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीत भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह मेरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबा दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था, आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टनटन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूं, यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे को सुना सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, या हरी बुक रैक, या टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेट कर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। उस जल की ओर देखते हुए निशीत की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसका घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाती है, और मैं देखती हूं कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों में बालों में उलझाए निशीत बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर निशीत का पत्र आ गया।
धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई ये जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त होते जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने का शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? इतने पर पीछे से आवाज आती है, दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूं। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण मैं संज्ञा शून्य से उसे इस तरह देखती हूं, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूं। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूं। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहां चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि यह स्पर्श या सुख या क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। मित्रों, ये थी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी कहानी, यही सच है। मित्रों, मुझे आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस कहानी को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। साथ ही आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे ऐसी ही मनोरंजक कहानियां आपको सबसे पहले मिले और हमें ऐसी कहानी लाने का प्रोत्साहन मिले। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।